वेलकम नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 के सम कैलकुलेट करेंगे। रेडी? जो भी हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे वो अभी देख लिए हमने, अब वो सारे यूज करके हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.3। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट उसमें से क्वेश्चन है cos पाई बाई फोर माइनस एक्स cos पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स साइन पाई बाई फोर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्रूव करना है हमें। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है यहाँ पे cos cos माइनस साइन साइन। रेडी? सो cos इंटू cos हो तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे टू cos इंटू cos cos प्लस cos। सो टू cos इंटू cos मीन्स टू चाहिए आगे, तो नहीं है तो आगे वन बाई टू कर देंगे, इसलिए वहां पे टू आ जाएगा टू cos इंटू cos। सो cos प्लस cos फर्स्ट में क्या होगा दोनों का एडिशन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस cos मीन्स दोनों का सब्ट्रैक्शन पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। रेडी? सिमिलरली यहाँ पे भी टू साइन इंटू साइन फॉर्मूला लगेगा, तो आगे वन बाई टू चाहिए क्योंकि टू लेना इसलिए, तो वन बाई टू टू साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा माइनस cos प्लस cos मीन्स माइनस cos दोनों का एडिशन और प्लस cos दोनों का सब्ट्रैक्शन। रेडी? अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉमन निकाल लो एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है cos पाई बाई टू माइनस थीटा एंड cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज sin थीटा। रेडी? पाई बाई टू मीन्स चेंज एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए क्या होगा प्लस हो जाएगा माइनस नहीं होगा। सो sin x प्लस वाई हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई इज sin x प्लस वाई cos माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज। वन बाई टू यहाँ पे देखो कॉमन निकाल लिया बाहर, सो ये माइनस माइनस प्लस अगेन cos pi by 2 minus theta, similarly यहाँ के जैसे ही sin theta means sin x plus y and minus plus minus cos minus x plus y। ready? तो ये minus में ये plus में दोनों similar है इसलिए cut हो जाएंगे, ये दोनों similar है 2 time हो जाएगा 2 time sin x plus y आगे 1 by 2 है तो 2 2 cut बचेगा क्या sin x plus y और वो है हमारी right hand side। okay? बहुत ही simple question है, जो भी फॉर्मूला हमने किए वो अच्छे से आने चाहिए, सम तो ऐसे होने ही वाला है कुछ भी करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू प्रूव करना हमें 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली रिमेंबर करने को बोला था कि 10 पाई बाय 4 प्लस x ऐसा हमने सम किया था, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं 10 अल्फा प्लस बीटा वो तो फॉर्मूला आना चाहिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। सो 10 अल्फा मीन्स पाई बाय 4 प्लस 10 बीटा मीन्स x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। रेडी? सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 पाई बाय 4 माइनस x मीन 10 अल्फा माइनस बीटा, सो 10 अल्फा इज 10 पाई बाय 4 माइनस 10 बीटा इज 10x अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू बीटा मीन 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। रेडी? तो जहाँ पे 10 पाई बाय 4 दिख रहा है 10 45 डिग्री वो 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, मैंने बोला था 10 पाई बाय 4 प्लस x दिखे कहीं पे तो हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और पाई बाय 4 माइनस x दिखे तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो 1 प्लस 10x होल स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ये क्या है पूरा होल स्क्वायर कर दोगे तो हमारी राइट हैंड साइड है। रेडी? तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला ऐसे आते हैं तो सब में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो ये क्वेश्चन है cos pi plus x into cos minus x sin pi minus x into cos pi by 2 plus x equal to cot square x प्रूव करना है। सो अगेन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है cos pi plus x pi plus नो चेंज होगा cos x आएगा लेकिन pi plus x थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा नेगेटिव। सिमिलरली cos minus x इज cos x बिकॉज़ cos इज इवन फंक्शन, so cos x sin pi minus x pi minus means no change cos sin x and pi minus x is second quadrant में sin positive। okay, similarly cos pi by 2 plus x, so pi by 2 plus change cos का हो जाएगा sin। ready? और pi by 2 plus x means second quadrant में cos negative होता है। तो देखो यहाँ पे negative denominator numerator में negative negative cancel हो जाएगा cos into cos cos square and sin into sin sin square, so cos square upon sin square आंसर इज cot square x राइट हैंड साइड। ओके, जो हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट वहां पे सिमिलर क्वेश्चन है cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x in bracket cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x bracket over equal to 1 प्रूव करना है। सो अगेन हमें कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे
cos 3 pi by 2 plus x, 3 pi by 2 plus m is change, cos का हो जाएगा sin and 3 pi by 2 plus x means fourth quadrant में cos positive होता है. Similarly cos 2 pi plus x, 2 pi plus a इसलिए no change means cos x and 2 pi plus x is first quadrant, so first quadrant में every trigonometric function are positive. Cot 3 pi by 2 minus x change क्योंकि 3 pi by 2 minus a इसलिए 10 x and 3 pi by 2 minus x means third quadrant में cot कैसा होता है positive. Plus cot 2 pi plus x again no change क्योंकि 2 pi plus a इसलिए cot x ही आएगा और 2 pi plus x means first quadrant और first quadrant में positive होगा. अब देखो ये sin cos में है तो इसको भी sin cos में convert कर देते हैं. 10 is a sin upon cos and cot is a cos upon sin. फिर एलसीएम ले लो, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इनटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा और ये दोनों भी कट हो जाएंगे. सो लास्ट आंसर बच्चा वन, वो क्या है हमारी राइट हैंड साइड. तो ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थे. रेडी, नोट डाउन करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x. रेडी, राइट हैंड साइड ये हमें प्रूव करनी है minus root 2 sin x. तो देखो यहां पे cos minus cos दिया है, cos minus cos क्या होगा, minus 2 sin into sin, so minus 2 sin दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2. रेडी, दोनों का एडिशन 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x upon 2. sin into sin दोनों का सबट्रैक्शन 3 pi by 4 plus x माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस x डिवाइड बाय 2. ओके, सो यहां पे 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, देखो x तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 6 पाई बाय 4. रेडी, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इज 6 पाई बाय 4. 6 पाई बाय 4 2 2 कैंसिल करो कितना बचेगा, 3 पाई बाय 2 बचेगा. कितना बचेगा, 3 पाई बाय 2 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 2 मींस टोटल आपका जो बचेगा वो है 3 पाई बाय 4. अगेन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इज 6 पाई बाय 4. 6 पाई बाय 4 मींस 3 पाई बाय 2 क्योंकि ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल, सो 3 पाई बाय 2 बचा यहां से डिवाइड बाय 2 मींस 3 पाई बाय 4. सिमिलरली यहां पे देखो 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस कैंसिल, सो x प्लस x 2x डिवाइड बाय 2 मींस बचा x. अब देखो 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. सो इनटू sin x एज इट इज पाई माइनस मींस नो चेंज sin पाई बाय 4 और पाई माइनस मींस सेकंड क्वाड्रेंट sin कैसा होता है पॉजिटिव, सो sin पाई माइनस पाई बाय 4 मींस sin पाई बाय 4 into sin x. sin पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, सो यहां से 2/√2 मींस √2 और आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी -√2 sin x. रेडी, चलो नेक्स्ट अगर बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है sin स्क्वायर 6x - sin स्क्वायर 4x. रेडी, sin square minus sin square, देखो x square minus y square means क्या होगा, x minus y, x plus y, ऐसे दो पार्ट निकल सकते हैं, yes. तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, sin 6x plus sin 4x into sin 6x minus sin 4x. तो first में sin plus sin क्या होगा, 2 sin into cos, so 2 sin दोनों का addition divide by 2 into cos दोनों का subtraction divide by 2. Similarly second में sin minus sin, sin minus sin होगा 2 cos into sin, so 2 cos दोनों का addition divide by 2 into sin दोनों का subtraction divide by 2. तो कहो ये कितना होगा, 6 plus 4 10 by 2 means 5x, 6 minus 4 2 by 2 x, ready 2 sin 5x into cos x. similarly यहाँ पे 2 cos 5x into sin x. अब ये cos 5x है वो इसमें दे दिया और cos x यहाँ पे जाने दिया, देखो उससे क्या होगा, 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta किसका formula है, sin 2 theta का, देखो कभी उल्टा भी यूज करना पड़े, 2 sin theta into cos theta इक्वल एंगल होना चाहिए 5x 5x, वरना यहां पे मत लगाना अगर 2 sin into cos sin क्या करोगे, मींस यहां पे एंगल्स दोनों सेम होने चाहिए, तो sin 10x हो जाएगा. यहां पे भी 2 sin into cos एंगल इक्वल है मींस sin 2 theta sin 2x, तो ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है. रेडी, सिमिलरली उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, वो cos square minus cos square दिया है, तो वो भी सिमिलरली cos plus cos cos minus cos, cos plus cos का 2 cos into cos, cos minus cos का minus 2 sin into sin, तो उसको आपको सॉल्व करना है और ये आपको आंसर लाना है. ओके, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये दोनों कर लो, बाकी आगे हम करते हैं. ओके, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 साइन एन प्लस वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. सो हमें पता है यहाँ पे साइन इंटू साइन फॉर्मूला होगा, टू साइन इंटू साइन फॉर्मूला यूज होगा. सो उसके लिए टू चाहिए. रेडी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया, आगे वन बाई टू कर दिया. सो टू साइन इंटू साइन, और जो एक्स यहाँ पे बाहर था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे एन एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आगे वन बाई टू किया हुआ है. सो टू कॉस एन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस टू एक्स. ओके चलो, टू साइन इंटू साइन फॉर्मूला कौन सा होगा, टू साइन इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस, फर्स्ट दोनों का एडिशन, सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन. एडिशन मीन्स एन एक्स प्लस एक्स प्लस एन एक्स प्लस टू एक्स. सिमिलरली कॉस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स. ओके नेक्स्ट, टू कॉस इंटू कॉस, कॉस प्लस कॉस, फर्स्ट में दोनों का एडिशन मीन्स एन एक्स प्लस एक्स प्लस एन एक्स प्लस टू एक्स, सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स. ओके चलो, अब देखो ये जो माइनस कॉस है और ये प्लस कॉस है, तो देखो सिमिलर है दोनों का, एन एक्स प्लस एक्स प्लस एन एक्स प्लस टू एक्स, एन एक्स प्लस एक्स प्लस एन एक्स प्लस टू एक्स, तो ये एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों कट. यहाँ पे क्या बचेगा, एन एक्स कैंसल, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, सो कॉस माइनस एक्स प्लस, वहाँ लास्ट में भी प्लस कॉस माइनस एक्स, सो कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स बिकॉज कॉस इज ए इवन फंक्शन. रेडी, सो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस एक्स, टू टू कैंसल, आंसर इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इज अवर राइट हैंड साइड. ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये हमें प्रूव करना है. तो अगेन यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. रेडी, अब देखो इसमें 2 साइन 4x है, इसलिए क्या किया, इसको हमने साइड में रख दिया, इसको आगे बुला लिया, ये भी यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन प्लस साइन फॉर्मूला यूज हो जाएगा. टू साइन इंटू कॉस, साइन प्लस साइन मीन्स टू साइन इंटू कॉस, फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सेकंड में अल्फा माइनस बीटा बाई टू, मीन्स यहाँ पे 6x प्लस 2x बाई टू इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई टू, टू साइन 4x एज इट इज. ओके बहुत ही सिंपल है. तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई टू 4x साइन 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई टू 2x प्लस 2 साइन 4x. अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा cos 2x, यहां से कुछ नहीं मिल प्लस 1. रेडी, सो cos 2 थीटा, इसका एक फार्मूला है 2 से cos square थीटा माइनस 1. ओके डायरेक्टली भी पता है कि cos 2x प्लस 1 इज 2 cos square x, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos square थीटा, ये भी फार्मूला डायरेक्ट पता है, तो अच्छा है, वरना हम यहां पे रख सकते हैं कि cos 2x इज 2 cos square x माइनस 1, और प्लस 1 तो है ही, तो ये दोनों कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 cos square x sin 4x, तो ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड है. रेडी भाई, सिंपल क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करिए. ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x. सो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफिकेशन किया है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट ये नहीं आएगा, इसमें से डायरेक्ट ये नहीं आएगा, थोड़ा टॉप हो जाएगा. सो क्या किया, कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x लेफ्ट हैंड साइड ली है. कॉट मींस कॉस अपॉन साइन, वो हमें पता है. साइन प्लस साइन क्या होगा, टू साइन इन टू कॉस, फर्स्ट में दोनों का एडिशन डिवाइड बाई टू, सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई टू, मीन्स 5x प्लस 3x बाई टू, 5x माइनस 3x बाई टू, तो ये कितना हो गया, टू साइन, ये हो गया 4x, क्योंकि 5 प्लस 3 8, 8 बाई टू 4x. इंटू कॉस 5x माइनस 3x, 5 माइनस 3 4 बाई टू, सॉरी 2 बाई टू x. तो यहाँ से देखो साइन 4x कैंसल, बचेगा क्या, 2 cos 4x इंटू cos x. अब देखो ये बचा है, इसमें से वो बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, तो cot अगेन cos अपॉन साइन, और यहाँ पे साइन माइनस साइन क्या होगा, 2 cos इंटू साइन, सो 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा, 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x, और 5 माइनस 3 2 बाई 2 इज x. सो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, साइन x कैंसिल,
तो वहां पे भी क्या बचा, टू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो देखो दोनों सिमिलर हो गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जितने भी हो सके सेल्फ प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, रेडी सिर्फ क्वेश्चन लेके प्रूव करो, क्वेश्चन लिख के प्रूव करो और फॉर्मूला हर बार दिमाग में रिवाइज करो, कॉस प्लस कॉस टू कॉस इंटू कॉस, साइन प्लस साइन टू साइन इंटू कॉस, तभी आपका फॉर्मूला अच्छे से होगा। रेडी, सो हर बार मैं कैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ साइन प्लस साइन टू साइन इंटू कॉस आ गया, ये डिवाइड कर दो, तो ऐसा नहीं, हर बार रिवाइज करो, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये प्रूव कर दिया बस हमने जंग जीत लिया, कुछ नहीं जीता हमने। रेडी, इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप हर बार रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ओके, सो नोट डाउन करो।